खबर यह है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन, कराची धमाके पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात भी लीं। सिंध हुकूमत सख्त इकदामात करने जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू में कहा कि वफाक से जो भी मदद चाहिए हम हाजिर हैं। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद। अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कल रात होने वाले बोल्टन मार्केट में धमाका हुआ है उस हवाले से इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से भी जो है वो मालूमात हासिल की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत सख्त इकदाम जो है वो करने जा रही है। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक से जो भी मदद दरकार है वो सिंध हुकूमत को देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम इत्तेहाद और यकजहती के साथ ही जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को इस हवाले से भी आगाही दी कि आज जो है 12 बजे इसी हवाले से जो है जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए उसी पर एक आला सतही इजलास जो है वो भी तल्ब किया गया, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान जो है वो शिरकत करेंगे। जबकि रात गए भी, जब ये वाकया हुआ था बोल्टन मार्केट में जब धमाके का वाकया हुआ उसके बाद भी रात गए जो था एक अहम इजलास जो था वज़ीर आला सिंध ने तल्ब किया था, जिसमें एडिशनल आईजी कराची सीटीडी और स्पेशल ब्रांच के जो अहदेदारान हैं वो उसमें शरीक थे। और एपेक्स कमेटी में भी दो रोज कबल जो था वो इजलास हुआ था, उसमें जो भी तमाम तर मालूमात जो थी वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वज़ीर आला सिंध को फराहम की गई थी, उस हवाले से भी जो था वज़ीर आज़म को उन्होंने आगाही दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने अपडेट किया।